सॉलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली आपका जो यूजीसी नेट ज़ेरप का री एग्ज़ाम हुआ था जून स्पेल के लिए, उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका जो आंसर की था आंसर की डिस्प्ले हो चुका है, टोटल जो 94 सब्जेक्ट थे सबके लिए, और लास्ट की जो डेट थी वो 12 या 13 सितंबर थी क्लेम करने की। तो आज आपका 22 हो गया है, तो बेसिकली इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका अभी तक जो 23 हो चुका है आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो बार बार पूछने के, सर रिजल्ट कब तक आएगा, हमारे इतने मार्क्स हैं, हम शॉर्टलिस्ट होंगे नेट के लिए जैरक के लिए कि नहीं, तो इसी को मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं करूँगा, छोटा करूँगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जो रिजल्ट डिले होने का वो 2-3 रीजन मेन है। पहला रीजन जो है, क्योंकि इस बार आप देखेंगे कि पीएचडी भी 7 में एंट्रेंस लिया गया है। क्योंकि पहले क्या था, एक डिसाइड करना था कि इतने परसेंट को नेट देना है, इतने परसेंट को जेआरएफ देना है। इस बार एक थर्ड है पीएचडी का भी, इसमें 7 में था, आपने देखा होगा। तो तीन पार्ट में रिजल्ट को कैटेगराइज करना है, नेट, जेआरएफ एंड पीएचडी, ठीक है। ये चीज हो गई, तीन पार्ट में डिवाइड करना है। बाकी 94 सब्जेक्ट है तो ये भी थोड़ा समय कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। और जो मेजर जो रीजन है, आप इस बार देखेंगे जो भी आंसर किया है हर पेपर में क्लेम बहुत ज्यादा हुए। क्लेम होने की वजह से क्या है कि एक रिव्यू कमेटी फिर से बनेगी और उस पर वो डिसाइड करेगी इसको क्या कि आंसर को पहले वाले को ही सही मानना है या जो स्टूडेंट ने क्लेम किया उसको चेंज करना है। तो इसका डिसाइड जो पैनल बनेगा वो करेगा। तो ये भी, क्योंकि क्या पैनल बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उस पर वर्क हो रहा होगा। बाकी आपका 23 सितंबर आज हो चुका है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मंथ लास्ट 90% चांसेस है कि आपको 30 सितंबर तक आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 10% क्या चांसेस हैं, फर्स्ट वीक अक्टूबर तो 100% से हो रहा है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए। जो भी आपके, देखिए मैं एडल्ट एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपके 100% के आसपास बन रहे हैं, 100+ में आप हो तो बहुत पॉजिटिव में हो कि आपके चांसेस हैं कि आप अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी नेट जेआरएफ हो सकते हो। बाकी आप 95-100 के रेशियो में हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप नेट क्लियर कर लोगे। क्योंकि इस बार थोड़ा सा पेपर आपने भी दिया हुआ कि पेपर का इस बार जो लेवल था वो डाउन था, उसका रीजन है फर्स्ट पेपर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर इसमें किया है, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट सितंबर या फर्स्ट वीक अक्टूबर में आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों ने पूछा तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता कि सबको प्रॉपर, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर पाना, इसलिए मैं सोचा कि छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपडेट कर देता हूँ कि आपका रिजल्ट कब तक आने कौन डिले हो रहा है। तो डिले होने का वही रीजन है, तीन पार्ट में कैटेगराइज करना आपका रिजल्ट, एक तो जेआरएफ में कैटेगराइज करना, दूसरा नेट में करना है, थर्ड आपका पीएचडी जो है उसमें कैटेगराइज करने में समय लगता है। दूसरा क्या है कि आप देखेंगे री एग्जाम हुआ है, री एग्जाम होने की वजह से और आंसर की इस बार देखेंगे बहुत थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा उसमें कमियाँ थी, तो स्टूडेंट ने क्लेम उस पर किए है तो उस पर भी वर्क होगा, कमेटी बनेगी, उसको रिव्यू करेगी, जो एक्सपर्ट थे वो अपना आंसर का मतलब प्रूफ देंगे, स्टूडेंट ने जो प्रूफ दिया उसको कमेटी एनालिसिस करने के बाद फाइनल ये डिसीजन लेगी कौन से ऑप्शन को, कौन से क्वेश्चन को डिलीट करना है, कौन से क्वेश्चन को रखना है, ऑप्शन चेंज करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन होगा। वैसे जैसे डिसीजन होने के बाद भाई 94 सब्जेक्ट के रिजल्ट निकालने हैं, ठीक है, तो वो रिजल्ट पे काम चल रहा होगा, तो आप थोड़ा सा मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 डेज और वेट करिए, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का छोटा सा बस यही इंटेंशन था कि आपका जो रिजल्ट है वो प्रोसेस में जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।